नेटफ्लिक्स पर बेस्ट कोरियन ड्रामा सर्च कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। कोरियन ड्रामा रोमांस थ्रिलर के साथ कई और जॉनर के नॉन कल्चर से अपनी शानदार कहानी की वजह से इंडियन ऑडियंस के बीच में नए फेवरेट बन गए हैं। कोरियन ड्रामास की ग्लोबल पॉपुलरिटी की वजह से OTT प्लेटफॉर्म पूरी दुनिया में जहां भी कोरियन ड्रामास के फैन है उन्हें उनके पसंदीदा शोज दिखा रहे हैं। पर कोरियन ड्रामास कोरियन लैंग्वेज में बनते हैं और हमें इंग्लिश सबटाइटल देखकर उन्हें समझना पड़ता है। अगर आप भी इससे परेशान हैं तो आपके लिए मैं 5 ऐसे कोरियन ड्रामास लाया हूं जो हिंदी में फ्री में MX प्लेयर पर अवेलेबल है। और इस वीडियो में मैंने हर जॉनर के कोरियन ड्रामा सेलेक्ट किए हैं, आपका जैसा भी मूड हो आप उन्हें देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 1, आई एम नॉट ए रोबोट। MX प्लेयर पर सबसे बेस्ट कोरियन ड्रामा में से एक आई एम नॉट ए रोबोट 2017 में रिलीज हुआ। ये कोरियन ड्रामा किम मिन क्यू पर बेस्ड है जिसे लोगों के साथ फिजिकली कॉन्टेक्ट होने से एलर्जी है, इसलिए वो अकेला रहता है पर लग्जरियस लाइफ जीता है। जो जी हाँ की उसकी लाइफ में एंट्री होती है पर कुछ सर्कमस्टेंसेस के चलते वो उससे RG3 नाम के रोबोट होने का नाटक करती है। जब वो मिलते हैं तो क्या होता है MX प्लेयर पर हिंदी में डब की गई आई एम नॉट रोबोट में देखें। तुम्हें कल के दिन बस 3 घंटे देने हैं मुझे। क्या करना है? नंबर 2, द हायर। द हायर 2013 में रिलीज हुई थी। कहानी है कुछ वेल्थियस प्रिविलेज टीनेजर स्टूडेंट की जो सेमी हाई स्कूल में पढ़ते हैं। किम टैन एक बहुत ही बड़ी कंपनी जेओ ग्रुप का इकलौता वारिस है और वो बहुत ही ज्यादा रईस फैमिली से बिलोंग करता है। वो एक डाउन टू अर्थ और हार्ड वर्किंग लड़की टैन यूंग संग के प्यार में पड़ जाता है। अब उनकी लाइफ में क्या ऑब्स्टकल्स आएंगे जब उनके प्यार के बारे में सबको पता चलेगा? क्या वो इन सबसे पार कर पाएंगे? ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को MX प्लेयर पर देखना होगा जो कि हिंदी में डब है। अमीर घर का लड़का ऐसे ही जीता है, वो सपने नहीं देखता। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मेरे लिए ये सब एक सपना है, एक खूबसूरत। नंबर 3, गोब्लिन द लोनली एंड द ग्रेट गुड। किम शिन एक इमोर्टल गोब्लिन है जो कि अपनी इमोर्टलिटी खत्म करने के लिए दुल्हन की तलाश कर रहा है। वो एक हाई स्कूल के स्टूडेंट जी यूंग तक, ग्रीम रिपर और सनी से मिलता है जो चिकन शॉट चलाते हैं और इन चारों कैरेक्टर के भाग उलझने लगते हैं। कहानी में आगे क्या होगा? क्या गोब्लिन इमोरलिटी के अभिशाप से बच पाएगा? MX प्लेयर पर आप इस हाईएस्ट रेटेड वेब सीरीज को देख सकते हैं। फ्लोवर्स, MX प्लेयर पर वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा में से एक है बॉयज ओवर फ्लोवर। योकियो क्योमियो द्वारा रिटन इसी नाम की जापानी मांगा सीरीज से इंस्पायर्ड है। कहानी रिवॉल्व करती है एक अंडर प्रिविलेज गर्ल गोमियो जानदी की और वो शिहावा हाई स्कूल में एडमिशन लेती है जो बहुत ही एलाइट स्कूल है। पर वहाँ पर उसे शिहावा हाई स्कूल के लड़कों सबसे पावरफुल ग्रुप A4 द्वारा तंग किया जाता है। लेकिन A4 ग्रुप का लीडर वू जुंग क्यों उस लड़की की ओर अट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन लड़की को किसी और दूसरे लड़के पर भयंकर वाला क्रश है। अब आगे क्या होगा, वो किसे चुनेगी, ये जानने के लिए आप इस वेब सीरीज को MX प्लेयर पर देख सकते हैं। आपका है जो हमसे करेगा डिफर। 1% of something 2016 में रिलीज एक कोरियन शो है। ये समथिंग अबाउट 1% नाम के नोवेल पर बेस्ड है। ये शो ली जे इन एक रिच फैमिली के एरोगेंट वारिस और एक काइंड प्राइमरी स्कूल टीचर किम दा ह्यून के बीच कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप पर बेस्ड है। ट्विस्ट ये है कि ली जे इन को अपने दादा की संपत्ति विरासत में लेने के लिए किम ह्यून से शादी करनी होगी, लेकिन क्या होगा जब उनके 6 मंथ का एक्सपीरियंस रिलेशन कुछ और ही रियलिटी में बदलने लगता है। ये MX प्लेयर पर सबसे अच्छा रोमांटिक कोरियन ड्रामा है। आपने हमारी बताई गई कोरियन ड्रामास की लिस्ट को एंजॉय किया होगा। हमें अपने फेवरेट कोरियन ड्रामा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और यार, हमेशा की तरह क्वालिटी कंटेंट बहुत ज्यादा है और सभी को इसी लाइफ में सेलिब्रेट करने के लिए आप हमारे चैनल बॉक्स ऑफिस प्लस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। सभी हॉलीवुड और बॉलीवुड मूवीज और वेब सीरीज के इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए आप हमारे बॉक्स ऑफिस प्लस के इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज को फॉलो कर ले। इस वीडियो का पार्ट पर देखने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं, टॉप 10 कोरियन ड्रामास, और कुछ भी रेटनम देखने के लिए आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।